हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वीडियो इंस्टीट्यूट पर। तो आज का टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा और ये टॉपिक नॉन कोडेटा का है और ये आज का क्लास नीट 2022 और नीट 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन जो बच्चे क्लास 11 में हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक बात और बता दूँ, इस लेक्चर से पहले मैंने पोली फेरा पर लेक्चर डाल चुका हूँ, इसको देखिएगा। फिर सिलेंट्रेटा पर डाल चुका हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैं टीनोफोरा पर डाल चुका हूँ, इसको भी देखिएगा। उसके बाद मैं प्लेटेहेलमिंथस पर डाल चुका हूँ, एस्केलमिंथस पर डाल चुका हूँ और लास्ट एनालिडा। इन सभी फाइलम्स पर ऑलरेडी मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, उनको जरूर देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फायदा आपके लिए होगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठेंगे, ठीक है। चलिए, तो आर्थ्रोपोडा को अगर समझा जाए तो उनको दो शब्दों में तोड़ दीजिए। एक है आर्थ्रोज, दूसरा है पोडोस। यहां तक समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। आर्थ्रोज मतलब होता है ज्वाइंट, पोडोस मतलब फुट। मतलब इनमें जो फुट है, जो पैर है या जो भी इनमें अपेंडेजेस जो होगा उसमें वह ज्वाइंटेड होता है। इस तरीके से इसमें ज्वाइंट पाया जाता है, ज्वाइंटेड है, ठीक है। यहीं से इसका नाम पड़ा आर्थ्रोपोडा। इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है, इसमें ज्वाइंट होता है, सेगमेंट बना रहता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए कुछ और तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्योंकि धरती पर जितने भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का दो तिहाई स्पीसीज अकेले फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। इस आर्थ्रोपोडा में जो स्पीसीज है उसमें से ज्यादातर स्पीसीज इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट जैसे आप देखते हैं खेतों में, बाहर भी देखते होंगे बच्चे, राजीव घोड़ा देखते हैं, ये तितलियां को देखते हैं, घर में आप कॉकरोच को देखते हैं, ठीक है, आप स्पाइडर देखते हैं जो आपका घर में जाले लगाते हैं, वो सब आप देखते हैं। ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा फैमिली में, आर्थ्रोपोडा के फाइलम में आता है। ठीक, समझ में आ गई बात। इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस भी होता है, क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो क्या पाएंगे, ये सभी जगह पाए जाते हैं। हवा हो तो वहां मॉस्किटो रहते हैं, तितलियां रहती हैं, बटरफ्लाई है, हॉनी बी है। लैंड पर कॉकरोच रहते हैं, तिलचट्टे वगैरह लैंड में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में डफनिया नाम का एक आर्थ्रोपोड्स होता है और ओशन समुद्र में लीमुलस पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया आशा करता हूँ। बॉडी के सिमेट्री की बात करें, इनका बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इसको मैं कितनी बार समझा चुका हूं प्रीवियस 4-5 फाइलम में, वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें ऑर्गन सिस्टम है, मतलब यहां पर अब ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है यहां पर। तो यहां एक्सक्रेटोरी सिस्टम्स है, रेस्पायरेटोरी सिस्टम्स पाया जाता है। ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, जर्म लेयर्स की, ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं और आपको मैं जर्म लेयर बहुत बार समझा चुका हूं। इसमें तीन लेयर्स होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें, इनका बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में बट जाते हैं, ठीक है। उनमें होते हैं, उनको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, याद रखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एनालिडा, कोर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, इन तीनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक, आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिलोम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्ट है और यहाँ सिलोम होता है, ट्रू सिलोम, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ जो सिलोम जो है, जो बॉडी कैविटी है उसके चारों तरफ मेसोडर्म का एक लेयर पाया जाता है। ये आप जानते हैं,
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां जो ट्रू सिलोम है इसमें स्पेस होता है, कैविटी है जो कि ब्लड से फिल होता है, इसलिए इस सिलोम को बोलते हैं हीमोसील कहते हैं, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, तो देखिए कि जो पढ़ा है आपने क्या आप सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। सवाल है मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, अभी बताया था एनलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इवन कॉर्डेटा में भी होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, याद रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गया, ठीक, समझ में आ गया बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बॉडी की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए, इनका बॉडी में तीन डिविजन्स है, सबसे बॉडी का जो सबसे आगे का जो पार्ट होता है जिसको एंटीरियर पार्ट कहते हैं उसको उसमें हेड पाया जाता है, बीच के पार्ट को थोरैक्स कहते हैं और सबसे पीछे वाले पार्ट को एब्डोमेन्स कहते हैं, समझ में आ गया हो आशा करता हूं। इस तरीके का डिस्टिंक्ट डिवीजन हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन ये सिर्फ इंसेक्ट क्लास में पाया जाता है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ये डिस्टिंक्टली पाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है कि इनका हेड और थोरैक्स दोनों ही फ्यूज्ड रहते हैं, इसको एक साथ बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। कल को सवाल पूछ सकता है आपसे पेपर में कि सिफेलोथोरैक्स किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप क्या बताएंगे, आर्थ्रोपोडा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं, आगे बढ़ते चलिए। और इन सभी पार्ट्स में क्या है, सेगमेंट्स होते हैं, इनका सारा पार्ट सेगमेंट में बटा हुआ है जिसको मेटामियर्स कहते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी के कवरिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी जो होता है इसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन कहते हैं, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। अब ये जो एक्सोस्केलेटन जो है ये काइटिन से मिलकर बना हुआ है, काइटिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, आशा करता हूं समझ पा रहे हैं। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ना वे हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि काइटिन जो है ये क्या है, इसका नेचर क्या है, काइटिन किस टाइप का बायोमोलिक्यूल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है कि न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन है या लिपिड है, जो बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को इस लेक्चर्स को वह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो आउटर कवरिंग जो एक्सोस्केलेटन का है ये एक रेगुलर इंटरवल पर ओल्ड एक्सोस्केलेटन सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब तो वहां से ये एनिमल करता क्या है अपने बॉडी से पुराने एक्सोस्केलेटन को हटा देते हैं, उनके जगह एक नए एक्सोस्केलेटन का ग्रोथ करके वहां पर लेके आ जाते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एक डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, समझ में आ गया हो। अब सवाल है ये पुराने एक्सोस्केलेटन को क्यों हटा रहे हैं और नए लेके क्यों आ रहे हैं, कारण यहां लिखा हुआ है, बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने के लिए ये जरूरी है कि इनके बॉडी के ऊपर से क्या होगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन को हटाइए और एक नया एक्सोस्केलेटन लेकर के आ जाइए थ्रू एक डाइसिस या मोल्टिंग, समझ में आ गया हो आशा करता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आया आपके स्क्रीन पर है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड थ्रू विच हार्मोन, तो समझिए सबसे पहले कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस होता है चेंज इन फॉर्म, इंसेक्ट्स में बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स आते हैं, एक लार्वल फॉर्म से दूसरे लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट होना है, दूसरे से तीसरे लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, यहां क्या है फॉर्म में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इस काम को करने में एक डाइसोन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और यही उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन सी गलत है,
ऑप्शन ए फेरोमोन्स, फेरोमोन्स सेक्सुअल मेटिंग में काम आता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। थायरोक्सिन यहाँ का कोई काम नहीं है, वो भी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो ही गया, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। उस समय थर्ड देखिए, एक डायसिस क्या है, अभी बताया एक डायसिस या मल्टी में क्या होता है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन का जो परत जो है उसको हटाया जाता है। उस परत को जब आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसमें एक लेयर जो सबसे बाहर में होता है वह लेयर है स्ट्रैटम कोर्नियम का। ये क्या है, आउटर लेयर होता है। क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है, इसी लेयर को शेड ऑफ करता है, इसी लेयर को वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टाइसिस। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ये सवाल अब नहीं आएगा, 1990 में पूछा सवाल था, अभी सवाल नहीं आ सकता, पर फिर भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा चौथा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। अब लैंड पर इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स का बहुत सारे इंसेक्ट लैंड पाए जाते हैं। आखिर उनके इतने ज्यादा होने का कारण क्या है, कारण ये है इनके पास एक एक्सोस्केलेटन होता है। ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट, इनको हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है एक्सोस्केलेटन। इसी कारण से इंसेक्ट्स में इतने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आता है। समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, बाकी सब कारण गलत है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और अगले क्लास में आर्थ्रोपोडा पर और भी कुछ जनरल फीचर्स उसको लेके आएंगे और उसको और पढ़ेंगे। इस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा पार्ट 3, क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसे मैंने इसको छोटे छोटे लेक्चर में बांट दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का और भी लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, अलविदा।